बियर पीने तो बियर विस्की वगैरह भी यहाँ पे मिलती है, और कैश नहीं है तो ऑनलाइन पेमेंट भी चलता है। परमिशन लेते हुए हम निकल चुके हैं अपने नेपाल के लिए। जो आप ग्रीन बोर्ड देख रहे हो ना भाई, वहाँ से प्रॉपर नेपाल लग जाएगा भाई। अब तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों, मैं रिबॉन राइडर आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये रहने वाली है हमारी एक ट्रिप व्लॉग, जिसमें हम सारे दोस्त, मतलब जितने भी हम राइडिंग ग्रुप के दोस्त है भाई, जो आज जा रहे हैं भाई एक ट्रिप पर। और मैंने सोचा क्यों ना इस ट्रिप पर आप लोगों को भी शामिल करा जाए। अच्छा, तो मैंने सोचा एक थोड़ा सा व्लॉग बनाया जाए आज के लिए। तो भाई, जैसे कि देख सकते हो हमारी जो रॉजर है वो भी एकदम रेडी हो चुकी है, और भाई मेरा जो सामान है, जैकेट वैकेट हो गया, अपना हेलमेट हो गया, वो भी एकदम रेडी है। तो भाई अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है भाई 12 o'clock। तो हम सोच रहे हैं गाइस 12 बजे निकलते हैं। भाई थोड़ा सा लेट हो गया निकलने में, क्योंकि भाई प्लानिंग चल रही थी वो थोड़ा लेट रही। और भाई आज का मौसम देख रहे हो थोड़ा सा सही है, मतलब जितना ये देख रहे हो ना भी, अब यहाँ थोड़ा सही है, पर जिधर हमें जाना है ना भाई, उधर भाई मौसम बहुत खतरनाक होने वाला है। चलो गाइस, अब सबसे पहले मैं GoPro पे शिफ्ट होता हूँ, बाकी बातें बाद में करता हूँ। तो दोस्तों चेक करो, अब हम हो चुके हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेडी, और राइडिंग जैकेट वैकेट हमने सब पहन लिया भाई, फुल सेफ्टी के साथ निकल रहे हैं। तो चलो गाइस, हम निकलते हैं पहले, और उसके बाद मैं आपको रास्ते में सारी चीजें बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, ठीक है, क्या प्लानिंग है, तो वो सब अभी हम रास्ते में बातें करते। चलो गाइस। ओ भाई, ये चीज है ना भाई, जो अपनी रॉजर को स्टार्ट करने का फील है ना, वो एक अलग ही लेवल लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपनी राइड पर, और भाई आज का जो मौसम है ना, मुझे मौसम से भाई बहुत डर लग रहा है, क्योंकि भाई हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बारिश का सीन भी हो सकता है, क्योंकि आज का जो मौसम है वो अलग ही लेवल का लग रहा है मुझे। तो दोस्तों, जो लोग मेरा पहले व्लॉग देखते होंगे उन लोगों को पता लग गया होगा कि मैं किस जगह जा रहा हूँ, क्योंकि भाई जो ये रोड है ना, आप लोगों को पता होगा गाइस कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जो मेरा रेगुलर व्लॉग देखते हैं। और जो भाई इस व्लॉग पर नए आए हैं, तो भाई अच्छा वीडियो पसंद आती है तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई इस व्लॉग में मैं बता दूँ, इस व्लॉग में ना एक गुड न्यूज भी मैं बताने वाला हूँ, और भाई वो जो गुड न्यूज है ना भाई, वो बहुत ही खतरनाक है मेरे लिए तो है भाई, आप लोगों के लिए पता नहीं, पर आप लोगों के लिए भी होगा भाई, जो मेरे से सच्चा प्यार और सच्चा लव करते होंगे भाई, तो मेरे से जो पर्सनली टचअप होंगे ना भाई, उन लोगों के वो गुड न्यूज भाई बहुत पसंद आने वाली है, तो वो मैं धीरे धीरे आपको व्लॉग में बताऊंगा अभी। तो दोस्तों, अभी हम अपने हैरी भाई के घर पहुंच गए हैं, और उनको उठाते हैं और उसके बाद चलते हैं फटाफट, क्योंकि भाई जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा हो गया है, और मुझे बस यही लग रहा है कि भाई बारिश में ना हो जाए सीन। तो मेरी कॉल भी बज रही है, लग रहा है हैरी भाई कर रहे हैं। अरे आ गया मैं, कॉल मत करो, पहुंच गया भाई। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम निकल चुके हैं अपनी राइड पर, और भाई जो हमारे हैरी भाई हैं, अभी जैसे आप लोगों ने देखा भाई, मतलब सोए पड़े थे यार, मैंने जबकि पहले ही फोन करके बोल दिया था कि हैरी भाई तैयार रहना, हम लोग निकल रहे हैं बस। तो गाइस, वीडियो में पूरा बने रहना और इन्जॉय करना गाइस वीडियो। तो भाई जो अपने हैरी भाई हैं वो आगे निकल गए हैं अपने ड्यूक को लेकर, और भाई हम थोड़ा पीछे रह गए हैं, तो हमें क्योंकि गाइस फ्यूल भराना है। अब हो सकता है हैरी भाई भी अपने फ्यूल भरा रहे होंगे, तो भाई अभी जो हमारी गाड़ी में जो फ्यूल है वो लगभग 2 पॉइंट दिखा रहा है, तो हम सबसे पहले इसमें फ्यूल भराते हैं। तो लोग गाइस, हमने अपना गाड़ी में फ्यूल भरा लिया, और भाई रॉजर को भी अच्छा खासा पेट पूजा करा दिए, क्योंकि भाई इसकी पेट पूजा पहले होनी चाहिए, हमारी तो ना भी हो तो कोई बात नहीं, हम तो चल लेंगे भाई जैसे तैसे। भाई जैसे अभी आपने देखा, वो भैया कह रहे भाई ये ऑयल है या कुछ और है, तो मैं कैसे बता दूं भाई कि ये मॉडिफिकेशन है भाई, मतलब ये चीज़ अच्छा मैंने बता दी ना भाई क्या है, तो भाई वो पूछेंगे नहीं, वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उन लोगों के प्रति ना। बात तो सही है कि ये है क्या आखिर, जब भी भाई मैं इधर उधर गाड़ी खड़ी करता हूँ भाई 10 मिनट तक, तो बंदा यही सोचता है भाई ये है क्या, जिनको नहीं बताओ, जिनको पता है वो सीधा बता देते भाई ये एक मॉडिफिकेशन है सिंपल सी। तो दोस्तों और बताइए, आपके मजे हो रहे हैं या नहीं हो रहे भाई, कैसी लाइफ चल रही है एक ब्लॉगर की? अच्छा लाइफ बताऊंगा इस, तो एक ब्लॉगर का सीन ये होता है, वो पता है जितना बंदा दब के चलता है ना, मतलब अंदर ही अंदर अच्छा दुखी होता है ना, तो वो क्या करेगा, सिर्फ अपना YouTube खोलेगा भाई, अपनी दुखती पीड़ा जिसको कहते हैं ना भाई, वो अपनी सारी दुखती पीड़ा सारी चीज़ें अपने फैमिली को बताएगा, मतलब YouTube फैमिली को बताएगा, इंस्टा फैमिली को बताएगा, तो भाई एक कहीं ना दिल भी बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो भाई अच्छा, आपके मन में भी कोई भी परेशानी कोई भी शंका हो तो भाई आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हो भाई मेरे कमेंट बॉक्स में आके। भाई क्या होता है ना, हम एक फैमिली जोड़ रहे हैं, ठीक है,
ब्लॉगिंग का मतलब यही होता है भाई, एक फैमिली क्रिएट करना, और फैमिली का काम क्या होता है, एक दूसरे का सुख दुख बांट के रखना। तो भाई मैं अपने अच्छा दुख बता रहा हूँ, अपने सुख बता रहा हूँ, तो अभी जो एक सुख है वो तो मैं अभी आपको आगे जाके बताऊँगा। और अच्छा भाई आप लोग भी अच्छा कंफर्टेबल हो मेरे साथ, या अच्छा नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर अच्छा भाई लोग कंफर्टेबल हो तो आप मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हो। अच्छा पर्सनली बात करनी है तो स्क्रीन के सामने लिंक आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी का, तो वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मेरे से पर्सनली बात भी कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे हैरी भाई ना काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए हैं और भाई हम पीछे रह गए, क्योंकि हमें तेल भराना था उनकी गाड़ी में, तो तेल शायद मेरे ख्याल से था इसलिए वो आगे निकल गए। और भाई हम थोड़ा स्लो ही चलाएंगे भाई आज। ओ भाई 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 भाई ऐसे टाइम पर अच्छा आपके ब्रेक नहीं लगे ना तो भाई घुस ही जाना है सीधा। अभी हम पहुंच चुके हैं अपना चक्करपुर। तो ये जो बच्चे देख रहे हो आप, ये भाई इनके बोर्ड का पेपर था आज, आप लोगों को पता होगा बोर्ड के पेपर चल रहे हैं। तो अब मुझे ये नहीं पता है कि कौन से बोर्ड का था, मतलब 10th या 12th का, पर ये पता है बोर्ड के पेपर थे भाई। तो होप गाइस आपके पेपर बेस्ट गए हो, तो भाई तगड़े तरीके से मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ और भाई अपने इंडिया का नाम रोशन करो। भाई मुझे ऐसा लग रहा है ना, आगे का मौसम देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बारिश हो सकती है, क्योंकि जिस एरिया पे हम जा रहे हैं वहाँ तो भाई बारिश होती रहती है। अरे भाई मैं ये क्या देख रहा हूँ मैं, मतलब बातों में मैंने ये चीज ध्यान ही नहीं कराया भाई। मेला गाइस, मेला भाई चक्करपुर का मेला लग रहा है भाई, बहुत खुशी की बात है ये, पता है आप लोगों को, आप लोगों को लग रहा होगा भाई मेला ही तो है। जब मैं किसी मेले को देखता हूँ ना गाइस, भाई मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा मजा आता है। तो भाई अच्छा मुझे आप लोग बताओ, आप लोगों ने अच्छा अपने बचपन में मेले में कितना एंजॉय करा, आप लोग भी इसी तरीके से कुछ हुए हो या नहीं हुए? भाई मैं एक बात बता दूं आपको, मेले में ना भाई मुझे सबसे ज्यादा खुशी पता कब होती थी, जब वो वाला आप लोगों ने झूला देखा होगा, वो मिक्की माउस वाला एक झूला आता था जिसमें ऊपर से ऐसी सीढ़ी से चढ़ो और उसके बाद स्लाइड होता था भाई, वो वाला झूला, वो मतलब ये लगा भाई जिस भी मेले में जाना है वो झूला झूलना ही है। मैं पता काफी बड़ा हो गया था तब भी मुझे झूले में झूलता था यार। तो किस किस भाइयों ने उस झूले पे भाई इंजॉय करा मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना। तो जैसे मैंने आपको बताया ना भाई, जितनी भी खुशी है ना भाई वो शेयर करने से ही बढ़ती है, आप अच्छा अपने मन में बैठा के रखोगे ना भाई कोई मजा नहीं है, प्रैंकल बनो भाई। तो दोस्तों आप थोड़ा राइड को एंजॉय करो, उसके बाद मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने टनकपुर, और भाई मैं टनकपुर की राइड मतलब ये लगा लो ज़्यादातर करते ही रहता हूँ, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि भाई उनसे नज़दीकी इलाका हमारे खटीमा के बाद हमारा टनकपुर आता है, और भाई थोड़ा अच्छा लगता है टनकपुर में आके, क्योंकि भाई कई सारे भाई लोग अपने यहीं पर रहते हैं राइडर ग्रुप के। टनकपुर से जो राइड जाती है गाइस वो ज़्यादातर हमारी संडे को निकलती है, और भाई आप लोगों को पता होगा हर राइडर संडे को राइड जरूर करेगा। तो दोस्तों आप जो ब्लॉग आने वाले हैं आज के, आज से जो ब्लॉग आएंगे भाई वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग ब्लॉग आने वाले हैं। हम भाई निकलने वाले हैं अपनी ट्रिपों पे, ठीक है? तो ट्रिप पे जब निकलेंगे तो भाई बहुत सारे व्यू आपको दिखाएंगे, कई कई खूबसूरत जगह जाने वाले हैं। तो वो सारी चीजों से जुड़ने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ मैं, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए तुरंत कि हम भाई कहाँ जा रहे हैं। और भाई अच्छा करंट अपडेट लेना चाहते हो भाई तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हो। जय हो भगवान, भगवान ती दो, आने वाले टाइम में हम अपनी पब्लिक के लिए कुछ अच्छा कर सके। ये आने वाला हमारा व्यू, और भाई रेडी हो आप लोग व्यू देखने के लिए? तो ये चेक करो भाई। मजा आया भाई, मैं आप लोगों को बता दूं मैं यहाँ पता फर्स्ट टाइम आया हूँ यार। तो भाई वो चेक करो, एक आगे पर पुल भी है गाइस, तो हो सकता है हम वहाँ जाने की कोशिश करते हैं और जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, और जा पाते हैं तो आप लोगों को बेशक दिखाते हैं कि कैसा है वहाँ से व्यू हमारा।
व्यू चेक करो भाई, व्यू चेक करो। ओ भाई लोकेशन देख रहे हो, कितनी प्यारी लग रही है यार। ये ब्रिज पर आने के बाद तो भाई अलग ही लेवल लग रहा है यहाँ मेरे ख्याल से, मुझे लगता नहीं। अरे नहीं नहीं बाइक आ रही है, चलो थोड़ा सा सेटिस्फाई हुआ कि भाई बाइक लाना अलाउ नहीं है, बाइक आ रही है। तो भाई ये देख रहे हो यहाँ से जो रास्ता है ये सीधा नेपाल जाने के लिए है आप लोगों को। तो भाई अच्छा जो लोग भी यहाँ से लोकल हैं, अच्छा नेपाल घूमने के इच्छुक हो तो भाई नेपाल भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं है। आगे जाने दे रहे हैं। तो भाई अब यहाँ से हम निकल चुके आगे, जहाँ से हम लोगों को लग रहा था हम नहीं जा सकते। ओ भाई इतना गंदा ब्रेकर यार, नीचे टच हो गई गाड़ी। तो गाइस यहाँ पर हमें लग जाता है यहाँ से नेपाल स्टार्ट, मतलब नेपाल स्टार्ट गया, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो बस नेपाली है फिर उसके बाद। उससे पहले हम एंट्री करवा देते हैं यहाँ पर। तो चलो भाई यहाँ से परमिशन लेते हुए हम निकल चुके हैं अपने नेपाल के लिए। और भाई नेपाल में अब घुसते हैं भाई। इंडिया में तो भाई बहुत गाड़ी चला लिया, अब चलाएंगे भाई इंटरनेशनल गाड़ी। चोली सावन को पानी भाई, चेक करो भाई इंटरनेशनल राइड मार रहे भाई आज इंटरनेशनल भाई, खतरनाक व्यू यार। लोकेशन चेक करो, अभी जो इधर थी वो अपनी नदी है, वहां से हम नीचे की तरफ आ गए हैं। और ये जो आप ग्रीन बोर्ड देख रहे हो ना भाई, वहां से प्रॉपर नेपाल लग जाएगा भाई। अब क्या हुआ, आगे नहीं ले जाने दे रहा था। क्या बाइक क्यों? अरे SSB वाले हैं ऊपर। यहाँ से जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो आगे की तरफ नहीं जाने दे रहे, तो हम यहीं पर अपनी बाइकें लगा दे रहे हैं। तो रोजर यहाँ से प्यार से खड़े रहना ठीक है, शांति में अच्छे से। भाई हैंडल लॉक कर देता हूँ यहाँ पर, कोई उठाना ले जाए अपनी रोजर को। तो भाई यहाँ से थोड़ा सा दूर पर 100 मीटर की आगे पर एक मंदिर है भाई, नेपाल का बहुत फेमस मंदिर है, वो मैं आपको अभी पहुँच के दिखाता हूँ। और यहाँ से जो नेपाल का मार्केट है वो भी शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये चेक करो, ये है हमारे नेपाल का मार्केट भाई, देख रहे हो मार्केट तो भाई बढ़िया है, छोटा सा है पर बहुत अच्छा है। पर भाई जो नेपाल की खूबसूरती है ना वो आप लोगों को पता होगा किसमें है। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, ये रील भी वायरल हुई थी। नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। हाँ राजा जी चलिए ठीक ठीक भाई, जैसे आप लोगों ने देखा सारी चीज की सुविधा है भाई। हाँ बोलो। हाय हाय इतना सुकून। अरे बोलो वहीं से बोलो बोलो बोलो। हाँ लो गाड़ी कितनी औसम है। हाँ ठीक है ठीक है ओके ओके डन 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 बोल दिया भाई डन बोल दिया। फैन वॉर्निंग दे सकते भाई कि यहाँ पे फैन वॉर्निंग लगड़ी है, तो जाना पड़ेगा। कितनी खूबसूरत जाना पड़ेगा, अब तो जाने पड़ेगा। बुलाया किसने ये देख रहे हो नेपाल की ब्यूटी ने। Oh God. एक बार दिला दे। तो भाई जैसे कि अभी देखा आप लोगों ने नेपाल की ब्यूटी का ऑर्डर आ गया भाई, अब इनविटेशन आ चुका है। भले भीख पैसे नहीं है, भीख मांगूंगा फिर जाऊंगा फिर जाऊंगा जरूर इसके बाद। तो भाई मैंने अब अपना खोल दिया वाइड एंगल कैमरा, क्योंकि भाई नॉर्मल कैमरे में क्या हो रहा है अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। भाई अभी जैसे हमने बात करा ना नेपाल की ब्यूटी, और नेपाल की ब्यूटी मैंने आप लोगों को दिखा दी, कमेंट करके बताना कैसी है। अब वो गाना याद आ रहा है, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। तो दोस्तों जिस मंदिर की हम बात कर रहे थे वो हम पहुंच चुके हैं। लौटते ही 1 मिलियन हो जाए। अरे भाई अरे भाई अरे भाई क्या बोल दिया यार, 1 मिलियन हो जाए कह रहे हैं ये तो। अरे हरी भाई बुला रही थी आपको, बुला रही थी वो, कह रही थी वो आगे जो लड़का जा रहा है ना भाई उसको भेज देना है। हीरो हीरो टाइप का। हाँ हीरो टाइप का यार। अरे भाई तुम मतलब तुम अपने आप को हीरो नहीं समझ रहे? ऑरेंज कवर वाला बोला। नहीं तुम अपने आप को हीरो नहीं समझ रहे? पागल है वेलन ये देखो भाई देख रहे ऐसे तो दोस्त इंटरनेशनल भी ना लड़कियां देखने जा रहे रिश्ते के लिए। शाबाश बेटा
तो दोस्तों वापस अपने देश लौटते हुए, तो भाई आप लोगों को सबसे ज्यादा नेपाल की क्या चीज पसंद आई? मतलब भले थोड़ी सी दिखाई, क्योंकि भाई अभी हम लोगों ने क्या सीन था ना, भंसार नहीं कटाया हुआ था, तो अभी जहां तक हम जा सकते थे वहां तक मैं आप लोगों को जाके दिखाया, क्योंकि जहां पर हमने बाइक पार्क करी है यहां से ही भंसार कटना शुरू हो जाएगा। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग 3 बज रहा है, इस वजह से हम नेपाल और अंदर नहीं गए। तो भाई अच्छा आप लोग वीडियो पे अच्छा प्यार दिखाते हो, तो आने वाले टाइम में हम आपको अंदर से नेपाल दिखाएंगे कि अंदर जाएंगे पूरा भंसार कटाएंगे, रुकेंगे वहां के, कितने अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट है, क्या है चीजें वहां की, ठीक है सिस्टम क्या है वहां का, तो वो सारी चीजें हम डिस्क्राइब करेंगे वहां जाने के बाद। और भाई दोबारा से एक लोकेशन देखो भाई, कितनी प्यारी लगती है यार ये। भाई यहाँ रील वील शूट करने के लिए बहुत तगड़ी लोकेशन है यार, ये देखो यहीं पर टकराई थी भाई गाड़ी अपनी, और भाई दोबारा, ओ भाई दोबारा लग गई यार नीचे। तो लो फाइनली गाइस हम अपनी नेपाल की ट्रिप जो मैंने आप लोगों को बताया वहां से होके आ चुके हैं, और भाई मुझे तो बड़ा मजा आया भाई, नेपाल की ब्यूटी देखने में बड़ा ज्यादा मजा आया। आप लोगों को आया नहीं आया भाई कमेंट करके बताओ। अभी तो ये नॉर्मल ही था, जब अंदर हम जाएंगे, आप लोगों को पता भाई नेपाल की एक रील वायरल हुई थी भाई, तब से मैं फैन हो गया भाई नेपाल की गर्ल्स का ना भाई, फैन हो चुका हूँ मैं। ओह गॉड, एक बार दिला दे। अंदर जाना भाई, सोच रहा हूँ रिश्ता विश्ता भी यहीं से कर लिया जाए क्या? शाबाश बेटा, बताओ भाई कमेंट कर दो भाई, यहीं से रिश्ता कर लिया जाएगा अब। तो दोस्तों इंटरनेशनल राइड मारने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा चेंजिंग पॉइंट क्या है, और भाई मैं उतनी देर से किस चीज के बारे में बात कर रहा था, तो मैं अब वो फाइनली खुलासा कर देता हूँ, रिवील कर देता हूँ वो चीज। तो भाई मैं बताता हूँ, आप लोगों के प्यार ने और सपोर्ट ने भाई मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन ओपन कर दिया है भाई। भाई मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि भाई अब मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है, सारी वीडियो पे भाई अच्छा खासा रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो भाई आप लोगों के प्यार ने भाई, मतलब ये लगा लो व्लॉगिंग जो है मैंने बहुत टाइम पहले स्टार्ट कर दी थी, पर मैं उस टाइम नॉर्मली व्लॉग करता था, तो कुछ टाइम बाद मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिस वजह से मैंने व्लॉगिंग कर बंद कर दी थी इस चैनल पर। तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने अच्छा मेरा जो चैनल है वो देखोगे अच्छे से, तो आप लोग देखोगे तो उसमें 2 मंथ पहले से मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग करना स्टार्ट करा है, और भाई आप लोगों ने यकीन नहीं मानोगे भाई, इतना अच्छा प्यार दिया ना, इतना अच्छा प्यार दिया कि 2 महीने में ही मेरा चैनल जो है वो फुल मोनेटाइज हो चुका है। तो दोस्तों हमने अपना जो रूट है वो चेंज कर लिया है, और हम जा रहे हैं भाई अलग खतरनाक वाले रास्ते से। तो भाई आगे देख रहे हो जो सामने बिल्कुल एक चढ़ाई टाइप की दिख रही है आपको, वहां से गाड़ी चढ़ानी है भाई। तो सबसे पहले हमारे हैरी भाई ट्राई कर रहे हैं। तो लो गाइस अब फाइनली मेरी टर्न आ गई है, तो चलो गाइस चलते और भाई खतरनाक। ओ भाई रॉयल एनफील्ड, अरे बाप रे, बहुत ही स्मूथली और बहुत ही प्यार से चढ़ते हुए अपनी रॉयल एनफील्ड। कितने प्यार से चढ़ गई, मुझे तो पता नहीं लगा कब चढ़ गई है यहीं से। तो दो, अबे रुको, तो दो तो चेक करो ड्रैग रेट लग गई, अरे भयंकर। See you soon.